हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं स्विमिंग पूल मानेसर में नहाने के लिए। तो ये देखिए, सबसे पहले ये पार्किंग है यहाँ की स्विमिंग पूल की, और ये टिकट काउंटर है यहाँ पे। ये देखिए, ये टिकट काउंटर है यहाँ, लाइन लगी है टिकट कटाने के लिए। और ये गेट है, सामने दिख रहा होगा आपका, ये अंदर जाने के लिए गेट है। और ये स्विमिंग पूल भांगरोला मानेसर में है, गुड़गांव हरियाणा में। तो पिछले साल भी हम गए थे, वीडियो डाल रखा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, आप लोग सब का बहुत अच्छा प्यार है। तो इस बार भी बहुत कमेंट आया था बहुत से लोगों की गर्मी आ गया, आपने वीडियो नहीं बनाया स्विमिंग पूल की। तो आ गए हैं, देखिए कैमरे को देख के कैसे रिएक्शन दे रहे हैं लोग लड़के। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कूपन कटाना होगा, यहाँ पे एक बंदे का 100 रुपये लगेगा एक घंटे का। ये देखिए, आप ऑनलाइन या कैश भी दे सकते हैं, यहाँ पे एक घंटे के लिए होगा ये। चलिए हम पेमेंट करते हैं और ले चलते हैं आप लोगों को अंदर और दिखाते हैं कैसा है। तो फाइनली फ्रेंड, हम अंदर आ चुके हैं। ये देखिए, ये नज़ारा यहाँ का स्विमिंग पूल का, चारों तरफ पौधे लगा रखे हैं। और ये हमारे फ्रेंड हैं कृष्णा वर्मा जी, तो हमारा कैमरा पकड़े से वीडियो बनाते हैं, जो कैमरे के पीछे दिखते नहीं है। और ये देखिए, पानी है, बहुत ही सफाई रहती है यहाँ पे, डेली पानी चेंज होता है। और ये नॉर्मल ही है, ऐसे नहा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं आप गर्मी में। तो कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और जिसको जाना है वो कमेंट कर सकता है, मैं लोकेशन डाल दूँगा उसको जाने के लिए। एक घंटे का 100 रुपये लगता है यहाँ पे। और संडे को ज़्यादा भीड़ होती है, संडे की कंपनी छुट्टी रहती है संडे को, तो ज़्यादा लोग आते हैं संडे को, बाकी दिन शायद खुला नहीं रहता। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, देखिए कैसे छलांग लगा रहे हैं, कूद रहे हैं लोग इसमें पानी में। और हमें यहाँ पे जाके बहुत ही अच्छा लगा, पूरे इंजॉय किए हम लोग स्विमिंग पूल के। और कैमरा ले जाने पे लोगों का रिएक्शन ही कुछ अलग होता है, जिसको देखो भाई मेरा भी वीडियो बना दे, मेरा भी फ़ोटो ले लो, ऐसे बोलते हैं लोग। देखिए, मैं अब कैमरा को अंदर लेके जाऊंगा पानी के, और दिखाऊंगा आप लोगों को।